गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा आज हम लोग सामाजिक विज्ञान जो वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक है, किताब का नाम है राजनीति सामाजिक व्यवस्था भाग 1 अध्याय 5 के अंतर्गत सरकार विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सरकार शब्द से आप लोग परिचित है ना, सुने है ना आपको सरकार शब्द? जैसे कि आपके आस पड़ोस में या आपके घर में लोगों को बातें करते हुए सुना है कि सरकार सड़क बनवा रही है, सरकार हम लोगों के लिए बिजली लाइन खींच रही है, सरकार हम लोगों के लिए घर बनवा रही है, स्कूल बनवा रही है, सरकार अस्पताल बनवा रही है। तो यहाँ पर क्या आप लोग सरकार को देखते हैं? नहीं ना। तो चलिए हम लोग इस सरकार सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या है? ठीक है, सरकार देश की जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों की एक संस्था है। ठीक है, यहाँ पर सरकार में कोई दूसरे लोग नहीं होते हैं, वे हमारे बीच के ही लोग होते हैं, उनका चयन मत द्वारा होता है ना, और ये लोग मिल करके हमारे देश के विकास के लिए कार्य करती है। सभी देशों को विभिन्न कार्य करने के लिए या नीति बनाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, और ये सरकार हमारे लिए अनेक कार्य करती है, जैसे अस्पताल, सड़क, स्कूल आदि बनवाती है, और हमारी सुरक्षा का प्रयास करती है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने जैसे कार्य करती है। तो इस तरह से हम यह सोच सकते हैं कि सरकार जनताओं के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनकी एक संस्था है जो हमारे देश के विकास के लिए के लिए कार्य करती है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सरकार हमारे लिए क्या काम करती है, कैसे निर्णय लेती है, इसके कितने प्रकार हैं, कितने घर। तो ये सब देखने के पहले हम लोग सरकार हमारे लिए क्या क्या करती है इस पर चर्चा। तो जैसे सरकार सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराती है, इसके लिए गांव में जगह जगह चापाकल बनवाती है, जल मीनार बनवाती है ना, और आजकल तो सोलर पंप के द्वारा भी हमें जल उपलब्ध करा रही है। ठीक है, सरकार हमारे लिए बिजली उपलब्ध कराती है। ठीक है, आपके गांव में बिजली है ना। ठीक है, तो सरकार यह भी देखती है कि कहाँ तक बिजली पहुंची है, कहाँ बिजली की आवश्यकता लोगों को महसूस हो रही है, वहाँ वह उपलब्ध कराती है। तीसरा है, सभी को उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। जैसे हम लोग देखेंगे हर जिला में एक सरकारी अस्पताल है। ठीक है, गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, और सामुदायिक केंद्र से दूर कहीं कहीं छोटे छोटे स्वास्थ्य उपकेंद्र भी चलाए जाते हैं, जहां हमारा निःशुल्क इलाज होता है, निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार सभी को समान शिक्षा प्रदान करती है, सरकार इसके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी चलाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर गांव में एक न एक सरकारी स्कूल जरूर है, और
इस सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, निःशुल्क पोशाक मिलता है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलता है, मध्याह्न भोजन मिलता है, है ना। निःशुल्क मतलब एक भी पैसा नहीं लगता है। क्या आप लोगों को फीस देना पड़ता है? नहीं ना, ठीक, इसी को कहते हैं क्या, निःशुल्क। सरकार प्राकृतिक विपदा से पीड़ित लोगों की सहायता प्रदान करती है, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, आंधी तूफान हुआ, सुनामी लहर हुआ, तो इन सब स्थितियों में जान माल की बड़ी क्षति होती है, तो इसके लिए सरकार इससे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहती है, उन्हें भोजन और आवास के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। सरकार देश के सीमाओं की सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का भी प्रयास करती है, है ना। देश की सुरक्षा के लिए हम देखते हैं कि पुलिस और फौज की बहाली कौन करती है? सरकार करती है। इतना ही नहीं, अपने साथ साथ, है ना, दूसरे देश के साथ भी हाथ मिलाती है, ताकि हमारा देश भी क्या करे, विकास करे, ठीक है। सरकार और कई सामाजिक मुद्दों पर कार्य करती है। सामाजिक मुद्दे यानी कि समाज में जो हम लोग रहते हैं ना, समाज के लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। जैसे हमारे आसपास बहुत ही गरीब, लाचार और वृद्ध लोग होते हैं, तो वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, और जो विधवा हो चुके हैं उन्हें विधवा पेंशन दिलाती है। जिनके घर द्वार नहीं है वहां प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराती है, और राशन वितरण जैसे काम भी करती है। आप लोग राशन वितरण का दुकान देखे हैं ना, वहां पर आपको राशन कभी तो बिना पैसे का या तो कम पैसे में राशन उपलब्ध होता है। प्रत्येक महीना आपको राशन उठाते हैं ना। सरकार हमारे लिए रेल एवं राष्ट्रीय का भी प्रदान करती है। रेलगाड़ी देखी है ना, रेलगाड़ी कहाँ चलती है? रेल लाइन में ना। तो यहाँ रेलगाड़ी और रेल लाइन बिछाने का काम सरकार करती है, या कोई व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ठीक है। और डाक सेवाएं भी सरकार ही प्रदान करती है, जहाँ से आप चिट्ठी भेज सकते हैं, या आपके लिए चिट्ठी आती है, या दूसरे काम भी ये डाक के द्वारा ही संपन्न होती है। सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करती है। रोजगार के अवसर मतलब काम धंधा, है ना। पढ़े लिखे लोगों को तो नौकरी मिल जाती है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी सरकार मनरेगा योजना जैसे कार्य करती है, और उन्हें भी रोजगार मुहैया कराती है, ठीक है। रोजगार मतलब समझ लेना आप लोग। सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का भी काम करती है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं इस चित्र में सरकार के कार्य है। यहाँ रेल सेवा, उनकी रेल लाइन पे क्या चल रही है, रेलगाड़ी दौड़ रही है। आप इसमें बैठे हैं ना, ये डाक सेवा, ये डाकिया है जो बॉक्स से क्या निकाल रहे हैं, चिट्ठियां निकाल रहे हैं। यहाँ पर आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो जल विनाश क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और यह सरकारी अस्पताल है, ठीक है।
करने के लिए कैसे निर्णय लेती है। तो जब लोग साथ रहकर काम करते हैं तो आवश्यक निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है, ठीक है। जब कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले निर्णय लिया जाता है, तो उसके लिए क्या आपकी जरूरत होती है, व्यवस्था की जरूरत होती है, कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर क्या होती है, लागू होती है। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर समान रूप से क्या करती है, कार्य करती है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबके लिए समान रूप से क्या करती है, कार्य करती है। तो इसके लिए सरकार के ठीक ठीक अंग कार्य करते हैं, है ना। तो सरकार के विभिन्न अंग जो हमारे लिए कार्य करते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है क्या, न्यायपालिका। तो विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है, जनता यानी कि हम ही लोग, है ना, कि मत के द्वारा जिनकी आयु 18 साल से पूर्ण हो चुकी है उन्हें मत देने का अधिकार होता है, यानी कि वैश्विक मताधिकार कहा जाता है, उसके जरिए हम लोग अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, क्या बनाने की शक्ति होती है, कानून बनाने की शक्ति होती है, राज्य हित में यह नीति बनाने का भी काम करती है, राज्य हित यानी कि भलाई के लिए भी यह नीति बनाने का काम करती है, जैसे संसद और विधान सभा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ना, ये संसद भवन है और ये विधान सभा है। संसद भवन दिल्ली में है और विधान सभा ये हमारे झारखंड का विधान सभा है, ठीक है। अब दूसरा है कार्यपालिका, यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। विधायिका क्या करती है, कानून और नीति बनाती है, ठीक है, और कार्यपालिका उसको क्या करती है, लागू करती है। तो इस काम में कौन कौन लोग भागीदार होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ राष्ट्रपति भवन है और यहाँ झारखंड का राजभवन है, ये हमारे लिए यहाँ क्या करते हैं, जो भी विधायिका द्वारा नीतियां या कानून बनाती है यहाँ ये क्या करते हैं, उसको लागू करते हैं, ठीक। अगला हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण सरकार का अंग है, वह है न्यायपालिका, जो कानून का पालन करवाती है, किसका पालन करवाती है, कानून का। विधायिका क्या करती है, बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है और यह कानून का पालन करवाती है, और नहीं करने पर क्या देती है, ये सजा देती है, क्या देती है, सजा देती है, या कानून की रक्षा तथा उसमें सुधार करने का भी कार्य करती है, या ये सुझाव भी देती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और जिला न्यायालय, ठीक है। जैसे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, यह हमारा कहाँ स्थित है, दिल्ली में, हमारे भारत देश की राजधानी क्या है, दिल्ली है, यहीं पर ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, ये राज्य यानी कि हम लोग झारखंड वासी हैं तो ये झारखंड का ही उच्च न्यायालय है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सरकार के जो तीन अंग हैं वे कैसे काम करती है, सरकार अपने कार्यों का संपादन कैसे करती है। तो इसके लिए सरकार के
तीन स्तर, ठीक है, इन कार्यों का इंतजाम हमारे लिए सरकार तीन स्तर से करती है। पहला है स्थानीय स्तर, दूसरा है राज्य स्तर, तीसरा है क्या, राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर से तात्पर्य है गांव, मोहल्ला या शहर, है ना। यह स्थानीय सरकार गांव, शहर या मोहल्ला के अंतर्गत काम करती है, और राज्य स्तर में राज्य स्तर पर काम करती है। जैसे हमारा राज्य का नाम क्या है, झारखंड, तो झारखंड सरकार झारखंड के सीमा के अंदर ही काम करती है, यहाँ के दे जो राज्यवासी हैं उनके हित का ध्यान करके कोई भी निर्णय या नीति बनाती है, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर मतलब पूरा देश के अंतर्गत ये सरकार काम करती है। अब हम लोगों ने देखा कि सरकार तीन स्तरों से कार्य करती है, तब यहाँ ये निर्भर करती है कि कोई भी काम जनता के लिए, है ना, किस तरह का काम सरकार करती है, जनता की भलाई के लिए या जनता के साथ दुर्व्यवहार करती है, यह उस बात पर निर्भर करता है कि वहां की सरकार कैसी है, ठीक है। सरकार के तीन प्रकार हैं, लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रिक सरकार और तानाशाह सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का उदाहरण हम लोग अपने भारत देश का ही दे सकते हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार में देखेंगे सरकार का गठन लोगों के द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। चुनाव के दिन लोग अपने पसंद के नेता को अपना मत दे करके चुनते हैं, और लोकतंत्र में किसी भी सरकार को उन आधारों को बताना होता है जो भी वह निर्णय लेती है वह जनता के हित में हो। और अतः यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है ना। लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वह जनता ही बनाती है, और यह जनता के लिए ही काम करती है, और जनता ही क्या करती है, शासन करती है। लेकिन जब तक वह अपने वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं देती है तब तक वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहलाएगी, ठीक है। इसके लिए अनिवार्य है कि अपने वयस्क नागरिकों को क्या अधिकार दे, मत देने का अधिकार दे, जैसे हमारा भारत, ठीक है। अब अगला है राजतांत्रिक सरकार। इस तरह के सरकार में राजा या रानी ही सारे निर्णय लेते हैं। कौन निर्णय लेते हैं, राजा या रानी, है ना। इस तरह की सरकार में कुछ सलाहकार होते हैं, ठीक है। तो राजा या रानी उनसे सलाह लेते हैं जरूर, लेकिन निर्णय राजा या रानी का ही होता है, ठीक है। इसके लिए जनता, इस प्रकार की सरकार के लिए जनता किसी भी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। राजा या रानी का ही निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है, ठीक है। अब अगला है तानाशाह सरकार। तो इस प्रकार के सरकार में किसी राष्ट्र का शासक जो होता है वह समस्त शक्तियों को अपने हाथों में लेता है, पूरी शक्ति को क्या करता है, अपने हाथों में लेता है। वह जैसा चाहता है वैसे ही काम करता है। तो इस तरह की सरकार तानाशाह सरकार कहलाती है, और जो राष्ट्र है वो तानाशाह राष्ट्र कहलाता है। जैसे वर्तमान में उत्तरी कोरिया में आज भी इस तरह की शासन व्यवस्था है। तो इस तरह की सरकार में वहां के
जो तानाशाह होते हैं, देश का विकास या देश का हित उस पर निर्भर करता है। वह अगर अच्छा होगा तो प्रजा खुशहाल रहेगी, और अगर वह निर्दयी होगा तो वह राष्ट्र खुश नहीं रहेगा, लेकिन वह कुछ भी कर सकता है। अब हम यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ देखेंगे मताधिकार आंदोलन, यानी पहले भी मैं आप लोगों से कहा था कि मत देने का अधिकार, है ना, लोकतांत्रिक सरकार में वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह अमीर हो गरीब हो, है ना, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर यह अधिकार नहीं देता है तो वह लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं कहलाए। तो इसको हासिल करने के लिए, देशवासियों ने बहुत ही संघर्ष किया, है ना। कोई भी देश, किसी भी देश को, की जनता को अपनी शक्ति इतनी आसानी से प्रदान नहीं की है, इसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा। जैसे अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी महिलाओं को, है ना, अहिंसात्मक या हिंसात्मक लेकर के अपना मत देने का अधिकार प्राप्त करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक तो इन्हें मत देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, लेकिन इन्होंने प्रयास किया, सरकार के सामने अपना दबाव रखा और इन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, और हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में कहा है कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि अमीर और शिक्षित लोग ही मत दे सकते हैं, मत वह भी दे सकता है जिसके पास संपत्ति नहीं है लेकिन उसके पास चरित्र रूपी धन है, दिन रात अपना पसीना बह करके वह ईमानदारी से अपना जीविका चलाता है, लेकिन उसका गुनाह इतना ही है कि वह क्या है, गरीब है। यानी कि गांधी जी का सोचना है कि देश के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अमीरी गरीबी या जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों।